नमस्कार स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है देख रहे थे और यदि बात करें तो अभी टेस्ट सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं यू पी पी सी एस एग्जाम के लिए तो ये जो टेस्ट अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपका धे आई एस का है तो इसका दो टेस्ट ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है टेस्ट नंबर वन जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट था और टेस्ट नंबर इसका टू जो हिंदी से रिलेटेड था आज इसका हम लोग फुल लेंथ में जो है टेस्ट नंबर टू देखने वाले हैं जो बिल्कुल ही आपका फुल टेस्ट जो सीरीज है और इसमें जो है करंट अफेयर को भी कवर किया गया है तो एकदम फुल लेंथ का जैसे आपका एग्जाम आएगा 140 जो जीएस वाला पेपर आता है वैसे ही सेम उसी पैटर्न पे इसको डिजाइन किया गया है इसके अलावा भी आप आर ओ करके प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे जी वर्ल्ड से चार पाँच टेस्ट सीरीज उसके अलावा जो है आपका पी सी एस मंत्रा से छः सात टेस्ट सीरीज कराया गया है तभी हम लोग धीआईएस को कंटिन्यू रखेंगे और ध्यास को जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग जो है दूसरा टेस्ट सीरीज इसको लेके जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे आपको जो है सफिशेंट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा तो चलिए जो है इस टेस्ट को हम लोग करते हैं तो मैं तरीका आप लोग को बता दिया हूँ टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मैं आप लोग को समय दूंगा बिल्कुल तो क्वेश्चन जो है पढ़ा जाएगा और साथ साथ ऑप्शन भी आपको दिखाया जाएगा आप लोग आंसर करेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक है और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम लोग इसका टेस्ट नंबर फर्स्ट देखे थे भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो भी आप यहाँ पे अपना समय खर्च कर रहे हैं बिल्कुल इफेक्टिव यूटिलाइज होना चाहिए उस जो है तरीके से अगर काम करे तो बेहतर है ताकि जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके आसपास जो है उसके पेरीमीटर में कोई और प्रश्न बना दिया जाए तो वो भी आप सॉल्व करने का हालात में रहे तब टेस्ट सीरीज समझिए आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये टेस्ट नंबर दो है और फुल लेंथ का टेस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं समान अध्ययन फुल लेंथ प्लस करंट अफेयर भी करंट अफेयर इसमें फरवरी 2023 का कवर किया गया पिछले में जो है जनवरी 2023 का करंट अफेयर आपको कवर किया गया तो आपको पता है ये एक सौ चालीस अंक होता है टेस्ट चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे देखिए हिस्ट्री से पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित पे विचार कीजिए और इसमें बताना है उपयुक्त उपाधि सृजन किस गवर्नर जनरल के बारे में ये जो बताया गया है भारत में सिविल सेवा का जनक है वो भारत में पुलिस सेवा का भी जनक भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन इन्हीं के समय हुआ था तो गवर्नर जनरल आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे और बाकी मैं बता दूँ अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन प्लेलिस्ट में जाएंगे लाइव सेक्शन में तो लाइव कराया गया था साथ साथ पॉलिटी हो गया आपका फिजिक्स वगैरह हो, हो गया तो ये सब रिवीजन कराया गया आप जाके वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं एक बात और बता दूं यूपी स्पेशल आपको देखना है तो आप यूपी पी सी में जाएंगे तो वहाँ पर यूपी स्पेशल जो है बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है या यूपी स्पेशल करके मैप तो के माध्यम से बताया गया है तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं बाकी जहाँ से आप कंटेंट वगैरह पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए है, आप टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को जो है ऊँचे जो है मकाम पर पहुँचाने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे ये लॉड कर्नवालिस के समय ही सारा चीज़ हुआ है सिविल सेवा का जनक भी देखिए लॉर्ड कर्नवालिस की बात करें अगर तो सत्रह सौ जो है छियासी से लेकर तिरानवे तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहे थे और इन्हीं के समय जो है देखेंगे ये सिविल सेवा का जो है शुरुआत होता है पुलिस सेवा भी है जिला न्यायाधीश पद का सृजन किया जाता है ठीक चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से वो प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर देशों में काम कर रहे थे ठीक है यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा स्वतंत्रता में देखिए अब कुछ लोग देश में भी काम कर रहे थे और कुछ लोग बाहर से भी गतिविधि देख रहे थे भारत के लिए काम कर रहे थे वैसे में कौन थे नीचे कूट के सहायता से आपको बताना है चलिए देखिए मैडम बीका जी कामा है एम और एम एन राय आप लोग आंसर कर लिए होंगे देखिये बीकाजी कामा की बात करें बरखतुल्लास अयर और एम एन राय सारे लोग बाहर से काम कर रहे थे ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी बन जाएगा अगला प्रश्न देखिए भगत सिंह सुखदो राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में परिणति के रूप में फांसी दी गई थी आसान सा प्रश्न है कर होंगे। सही इसका क्या हो जाएगा? तो और को। मार्च 1931। अगला देखिये जालियावाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया तो जालियावाला बाग जो हत्याकांड तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को हुआ था जहां तक आप सभी को पता है और ये एक जो है अपराध ही था ऐसे में काफी लोग जो है उपाधि वगैरह लौटाए थे तो यहाँ पे नाइट हुट की उपाधि जो इनके द्वारा लौटाया गया था ठीक है और बाकी देखेंगे तो जो शंकर नायर थे वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद से जो है आपको आपको क्या किए थे वो त्याग पत्र दिए थे तो शंकर नायर भी अपना जो है त्याग पत्र दिए थे अगला देखिए निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है ठीक है अब देखिए एक पूर्व काल है एक उत्तर वैदिक काल है यानी आप देखेंगे तो पंद्रह से लेके एक तक ठीक है ईसा पूर्व है सब पूर्व हो जाएगा और एक हजार ईसा पूर्व से छह सौ तक ये उत्तर वैदिकाल तो उत्तर वैदिकाल में किसका रचना जो है नहीं हुआ है बताएं बहुत ही आसान से प्रश्न है ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद वेद ठीक है ऋग्वेद का रचना होगा था पूर्व काल में यानी पंद्रह सौ से एक हजार में सबसे पहला यही वेद आपको लिखा गया था ठीक है उस समय तो लिखित था नहीं है संकलन बाद में किया गया था ऐसे सबसे पहला संकलन ऋग्वेद का ही हुआ था ठीक है तो 1500 से ईसा पूर्व से 1000 हजार पूर्व में और बाद का है सारा है सबसे बाद का अथर्वेद है आप सभी को पता ही होगा ठीक है इसमें आपसे एक प्रश्न है कि बताइए वेद तरई में इनमें किस शामिल नहीं किया जाता है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वेद तरई में किसको शामिल नहीं किया जाता है अगला देखें अच्छा एक क्वेश्चन नंबर छह भी रह गया ठीक है क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ठीक है छे देखिए निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है अच्छा प्रश्न है आंसर आप लोग कर लिए होंगे देखिए बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका त्रिपिटक ठीक है त्रिपिटक को त्रिपिटक में देखेंगे तो आपका पिटक शुद्धिटक पिटक और अविधि पिटक तीनों आता है और इसी में पिटक को क्या बोला जाता है आपको इनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है ठीक है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में हो गया ठीक है चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये बन जाएगा अगला देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ठीक है आंसर कीजिए यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित है तो यहाँ पे ऑप्शन आप सब देख सकते हैं देखिए यहाँ पे आकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष है सुना अध्यक्ष बुचड़खाने का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष यहाँ पे जो है सारा ही ऑप्शन आपका सही है तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बन जाएगा आपका अगला देखिए

रोलेट अधिनियम रोलेट अधिनियम जो है आपका ये जो आया था 1919 में ही आया था इसके बाद हत्याकांड हुआ प्रेस एक्ट जो आपको अठारह में तो में यहां तो आपसे पूछा गया है बताइए सबसे जो अंतिम तो सबसे अंतिम इसमें उन्नीस वाला हो जाएगा यानी रॉलेट अधिनियम हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा आपका चलिए आगे बढ़ते हैं सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासन के समकालीन नहीं थे तुलसीदास किन के जो समकालीन नहीं थे पूछा गया है अकबर बाबर जहांगीर उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बाबर ठीक है ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास की अगर काल की बात करेंगे तो ये पंद्रह बत्तीस से लेकर सोलह सौ तेईस ईस्वी तक तो लगभग यही दोनों शासक इसमें थे ठीक बाकी देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और ऐसे आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी पीडीएफ प्राप्त करना तो ऐसे जो है आपको सोर्सेज वगैरह आपको फर्स्ट पेज में दिख ही रहा होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं हम बता सकते हैं वहाँ से आप लोग हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं तो बाकी पी डी एक जो है टेस्ट नंबर वन का अपलोड कर दिया गया है टेस्ट नंबर दो का भी अपलोड कर दिया गया है और ये टेस्ट नंबर जो है आपका दो फुल लेंथ का है ये भी अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पे खैर हम इनका एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन आप चाहें तो मैनुअली जो है हार्ड कॉपी आप इनसे चाहे तो मंगा सकते हैं वनआरसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु जो है सत्रह सौ इक्यानवे में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी किन के द्वारा की गई थी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है है ये जोनाथन डंकन के द्वारा ठीक हिंदू कानून और दर्शन के लिए सत्रह सौ इक्यानवे सत्रह सौ इक्यानवे संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा ठीक है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज बनाया था ठीक है अगला प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न संख्या आपका एगारह अच्छा ये पीडीएफ जो है आपको अंग्रेजी में भी उपलब्ध रहेगा तो जो इंग्लिश वाले हैं अब देखिए इंग्लिश वाले को हिंदी तो इतना समझ में आता ही है कि आप लोग जो है स्टेज सीरीज को कर सकते हैं बाकी आप एक बार और अटेम्प्ट चाहे तो कर सकते हैं कनौज राजधानी थी किसकी आसान सा प्रश्न है देखिए देवगिरी के यादव शासकों की परमार शासकों की मैत्रक शासकों की या मौखरी मौखरी जो शासक थे इन्हीं का ये आपका राजधानी था तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा अच्छा जो है बात करेंगे मौखरी शासकों की तो इसमें हरि वर्मा आदित्य वर्मा हिसाब वर्मा वर्मा ये सब शासक थे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या बारह यहाँ पे जो है रचना है रचनाकार है चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा अब आप लोगों को दिख रहा होगा अब इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर होगा ठीक है आप आंसर करें इसका देखिए यहाँ पे कुमार पाल चरित है फिर है कर्पूर मंजरी ललित विग्रहराज पृथ्वीराज रासो देखिए अब इसमें आप कोई भी आप मैच करना स्टार्ट कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो यहाँ पे चंदोरदाई यहाँ पे तीन होगा अब यहाँ देखिए डी में जो है तीन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है बाकी कहीं तो दिख नहीं रहा है तो ऐसे आप ऑप्शन यहीं से कर सकते थे बाकी ललित विग्रह जो है ये सोमदेव का ठीक है तो ये चार हो जाएगा कर्पूर मंजरी जो है आपका ये राजशेखर का तो एक हो जाएगा और बाकी कुमार पाल चरित्र बचा तो ये आपका जयचंद सूरी का हो जाएगा तो ये दो हो जाएगा ये देख सकते हैं दो एक चार तीन आगे देखें अगला प्रश्न है आपका कैलाश मंदिर के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है ठीक है अच्छा प्रश्न है तो देखिए कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसी के बारे में आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल ही सही है द्रविड शैली में बना हुआ है और मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा ही तो ऑप्शन आप लोग सी सही किए होंगे अगला देखिए निम्नलिखित युगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है मध्यकालीन संत है और कार्य क्षेत्र है इनका बताना इसमें कौन सा ही सुमिलित आपका नहीं है शंकर देव असम मूलक दास राजस्थान नरसी मेहता गुजरात नामदेव महाराष्ट्र बाकी देखते हैं ऑप्शन इसका चलिए ऑप्शन इसका है यही अवेलेबल है देखिए इसमें आप लोग आंसर कर लिए ठीक है यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मूलक दास यहाँ पे मलुक दास है ये मलुक दास का जन्म इलाहाबाद के जो है आपको कड़ा में हुआ था तो इनका कार्य क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश ही रहा था ना कि राजस्थान बाकी सब यहाँ पे क्या है सही है अगला देखते हैं प्रश्न संख्या पंद्रह निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राजारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है बहुत ही आसान सा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी बलवन है नसदीन मोहम्मद मोहम्मद बिन तिगला सल्तनत काल में आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले गुलाम वंश फिर खिलजी वंश ऐसे लास्ट में लोधी वंश आता है तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कि किस एक राज्यवरहन के साथ सल्तनत काल का समरजवादी युग यानी सल्तनत काल जो मान लीजिए सिमट गया था आपको ये दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में अभी जो है धीरे धीरे इसका साम्राज्य विस्तार होना शुरू हुआ आप लोग आंसर कर लिए होंगे अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी बारह से तेरह इनके राज्यवर्हन के साथ ही ये महत्वाकांक्षी शासक थे और के समय जो है साम्राज्य विस्तार शुरू हो गया था बाकी आगे जो है विस्तार होता रहा था फिर लोदी वंश में, में मदत ए मास के में में से कौन सही है के प्रदान की जाने वाली रजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी यहाँ पे सारा ही कथन सही है तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी बन जाएगा अगला देखिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था फोर्ट विलियम कॉलेज का मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है मेयो कॉलेज है और दिल्ली कॉलेज है यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे मेंशन किया गया कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना था ठीक है तो इसके लिए क्या स्थापना किया गया था आपका तो ये आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए ताकि भारत को समझने में मदद मिल सके चलिए बाकी जो है ये आपका गवर्नर जनरल जो है थे ब्लेजली उन्हीं के द्वारा अठारह में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना जो है किया गया था ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है कौन सा आपको गलत है भारत मित्र हिंदी में छपता था आपका प्रजा मित्र गुजराती में राष्ट्रमत मराठी में नायक अंग्रेजी में नायक जो है आपका ये बंगाली में छपता था तो ये क्या हो गया गलत हो गया आप लोग यही अब आप डी ऑप्शन सही किए होंगे बाकी सब यहाँ पे सही है राजा राम मोहन राय के द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के लिए जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया यह अधिनियम कब पारित हुआ था जूरी अधिनियम तो ये भेदभाव पूर्ण अधिनियम था आंसर इसके कीजिए आप लोग ठीक है जो लोग भी ऑप्शन भी किए हैं बिल्कुल सही है अठारह ठीक है अब भेदभाव का जो जूरी अधिनियम था यानी आप सभी को पता ही होगा कि इसमें क्या प्रावधान किया गया था यानी ईसाई जो यूरोपीय लोग होंगे वो सुनवाई जो है भारतीय लोग कर सकते हैं लेकिन भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपीय लोग का सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो ये जो है इसमें अधिनियम में बातें थी तो ये तो भाई विरोध करना बनता ही था आगे देखिए प्रश्न संख्या बीस पूछा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्था या संगठन उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करके और बताना है यहां पे आपको ईयर तो ध्यान रखना ही होगा ठीक है आप लोग इसके आंसर कीजिए यहाँ पे आपको वेद समाज है फिर है मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी एसियाटिक सोसाइटी प्रार्थना समाज तत्वबोधनी सभा देखिए तत्वबोधनी सभा अठारह का ठीक है प्रार्थना समाज की अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका अठारह हो जाएगा ठीक है इसके अलावा एसियाटिक सोसाइटी ये सभी को पता ही होगा सत्रह में ठीक है और इसके बाद देखें तो मोहम्मदन लिटरेली सोसाइटी ये जो आपका हो जाएगा अठारह में और एक बटा और यहाँ पे वेद समाज तो ये बेद समाज आपका हो जाएगा अठारह में तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे बाद वाला कौन है प्रार्थना समाज है ठीक है तो आखिरी में तो चार ही होगा तो देखिए आखिरी में खैर ये ए बी सी तीनों में है तो डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया अब इनमें सबसे पहले कौन तो एसियाटिक सोसाइटी यानी तीन होगा सत्रह सो चौरासी में ही हुआ था तो देखिए एसियाटिक सोसाइटी तीन देखेंगे तो देखिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अभी भी ए और सी में जो है यहाँ पे मुकाबला अभी जारी है तो ऐसे में देखिए ये आपका तिरसठ में है तो यहां ही आपका बन जाएगा ऑप्शन सही अगला देखें। यहाँ गया सही सा सुमेलित नहीं है एक विदेशी यात्री है और एक शासक है तो यहां पे ध्यान देंगे अल मसूदी महिपाल प्रथम है रॉल फिंच अकबर डोमिंगो पायस देवराय फ्रांसिस्को जहांगीर यहाँ पे डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री था ये और ये तो आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था तो यही इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है गलत ही ढूंढना था आपको बाकी सब सही है यहाँ पे अगला देखिए उत्तराखंड के कुमायू प्रदेश में अवस्थित मिलाम हिमनंद से किस नदी का उद्गम होता है अब यहाँ से ज्योग्राफी का जो है प्रश्न शुरू हो रहा है आपका देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शारदा नदी इसको काली गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं बाकी यहाँ पे नुबरा नदी है तो नुबरा नदी का उद्गम स्थल है सियाचिन ग्लेशियर है ठीक है मंदाकनी आप सभी को होगा सुमेरी जो है ग्लेशियर हो जाएगा अगला निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन हाँ यहाँ पे बताइए यहाँ पे देखिए दंडक क्रायण पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार का विस्तार है मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है आंसर कीजिए यह आसान सा प्रश्न है ठीक है देखिए ये दंडकायन पठार आपको पता है मध्यवर्ती भाग में है तो सही हो गया मेघालय का पठार प्रायदीपीय पठार का ही भाग है मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है सारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बन जाएगा आगे देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है ठीक है अच्छा जिनको लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो लोग क्या कर सकते हैं यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है आप लोग फास्ट करके देख सकते हैं ठीक है बाकी अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये जो है टाइम आपके लिए सफिशियंट हम दे रहे हैं जिनको जो है अटेम्प्ट करना है तो उनके लिए तो स्पीड सही ही होगा हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में जो है सादा ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे तरीके से जो है आपको सीरीज जो है कंप्लीट किया जाए चलिए तो इसके आंसर आप लोग किए होंगे पश्चिमी तट पर स्थित पूछा गया है कौन सा सबसे दक्षिणी में एक मैपिंग का जो है क्वेश्चन है पश्चिमी तट की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिमी तट हो गया ये पूर्वी तट हो गया अब इसमें सबसे दक्षिण में पूछा गया है ठीक है तो सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ये तो उत्तर हो गया आपका मान लीजिए और नीचे जो है दक्षिण हो गया इन सब में जो है चारों में देखेंगे तो आपका नागर कोइल ऑप्शन ए ही, ही हो जाएगा ठीक है नागर कोइल जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है इससे पहले आपको कनूर और ये जंजीरा वगैरह तो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा ये तो ऊपर ही पड़ेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे ये एक मैपिंग का प्रश्न था आपका तो मैप आप वगैरह थोड़ा आप लोग तैयार कर लेंगे अगला देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था पूना की संधि अठारह निम्नलिखित में से किसका परिणाम था अच्छा प्रश्न है देखिए प्रथम जो है ये पूना की संधि जो है आंग्ल मराठाई का द्वितीय आंग्ल मराठा या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ठीक है आंसर आप लोग कर लिए होंगे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अठारह अठारह सौ सत्रह से अठारह तक ठीक है और इसी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये हुआ था और बाजीराव जो द्वितीय थे ये पराजित हो गए थे और इसके बाद पुना में संधि कर ली गई थी और पेशवाई पद भी समाप्त कर दी गई थी ये भी बात ध्यान रखेंगे तो इसके बाद तो मराठा का विलय भी हो गया था ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे इस समय जो है लॉज हेस्टिंग ठीक है और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय और पेशवाई भी समाप्त कर दी गई थी इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे ये कथन कारण दिया गया है और बाकी आंसर तो ऑप्शन वैसे ही होगा आपका कि सही है हार सही है अब देखिए आजकल कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है ये वाला ऑप्शन जो आपको सी में डाल दिया जाता है ठीक है ये बी वाला ऑप्शन डी में डाल दिया जाता है तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बाकी इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वैसे ही जैसे बनाया जाता है पहला में दोनों सही है इसका व्याख्या कर रहा है दोनों जो है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, ये सही यार गलत है इसी में। लेकिन बात ध्यान देंगे आजकल एग्जाम में ऐसा किया जा रहा है, है, है। तो को सूर्य की तरफ बढ़ते के समय दिखाई देते हैं सूर्य के किरने इन की गैसों को चमकीला बनाती है ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है धूम केतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ने के समय दिखाई देते हैं तो बात सही है ठीक है और सूर्य के किरण इन गैसों को चमकीला बनाता है ठीक है रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे चमकीला दिखता है दोनों ही बात क्या होगा आपका सही है तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे तो यही बन जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही अगला देखिए निम्नलिखित मुँह में से कौन सा सही सुमेलित है एक तरफ जनजाति है और एक तरफ अवस्थिति है ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है पूछा जाता है तो इसमें सही सुमेलित पूछा गया खस अरुणाचल प्रदेश तमरिया झारखंड लिबूस तमिलनाडु अंगामी असम खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं ये जनजाति आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में तो ये तो गलत हो गया तमरिया ये झारखंड में ये सही है आपका और यहाँ पे सही जब चुनना था और ये सही मिल गया तो आप चाहे तो यहीं से क्वेश्चन को स्टॉप करके आगे बढ़ सकते हैं बाकी देखिए लिंबू से यहाँ पे ये जो है सिक्किम की जनजाति है और अंगामी जो है आपका ये नागालैंड का ठीक है तो ये गलत था सब निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की अब रबी खरीफ ठीक है तो यहाँ पे रबी फसल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही हो जाएगा पहला है जौ चना मटर सरसों चावल चना ज्वार सरसों बाजरा गेहूँ आलू मक्का है तरबूज मटर आलू मक्का है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका देखिए रबी फसल की अगर बात करें तो ये जो है आपको अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होता है और इसको काटा जाता है लगभग मार्च अप्रैल में ठीक है तो इसको रबी फसल हम लोग बोलते हैं ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा जौ चना मटर और सरसों गेहूं हो गया जौ हो गया चना हो गया मटर हो गया सरसों हो गया मसूर आलू वगैरह सभी श्रेणी में रवि फसल में आ जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या ट्वेंटी नाइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए ठीक है आंसर कीजिए यूरेनियम उत्खनन के लिए है या कोयला के लिए या हीरा या सोना के लिए ठीक है आप लोग सही आंसर किए होंगे ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जो जिला है इसमें जादूगुड़ा अगला देखिए सौर कलंक चक्र सन्स स्पोर्ट साइकिल औस्तन कितने वर्षों का होता है यह क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए थे काफी डिटेल में ठीक है के टेस्ट सीरीज में तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है देखिए सौर के जहां से ज्वाला निकलता है सोलर जो है फ्लेयर्स तो कुछ स्थान पे काले धब्बे पड़ जाते हैं इसी को हम लोग सौर कलंक बोलते हैं ठीक है ये बनते बिगड़ने की प्रक्रिया लगभग ग्यारह साल में पूरी होती है याद रखेंगे ग्यारह साल जैसे देखिए आप लोग एंसर जो है टिक कर सकते हैं सौर कलंक सूर्य का अपेक्षा करीब ठंडा भाग में आपको देखने को मिलता है और उसका तापमान लगभग पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस होता है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित महासागरी धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है यानी प्रशांत माई देखिए दो तो तरह का जलधारा एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा ये प्रशांत महासागर वाला बताना है आपको ठीक देखिए तो यहाँ पे कनारी है फॉकलैंड है हम्बोल्ट है लेब्राडोर है ठीक है आप लोग आंसर कर लिए होंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमबोल्ट धारा ठीक है हमबोल्ट या पेरू धारा जो है ये दक्षिणी आपको प्रशांत महासागर का हिस्सा है ठीक है तो याद रखेंगे इसको बाकी जो है आप देखेंगे तो अलिनो लानिनो परिघाटना ये सब जो है आपको प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है ठीक है अभी हाल फिलहाल आपका एग्जाम जो हुआ था ये क्वेश्चन बीपीएससी पी सिक्सटी नाइन में भी पूछा गया था आपसे ठीक है अलिनो जो है कहाँ पे घटना देखने को मिलता है तो प्रशांत महासागर में तो इसलिए मैं बताता हूँ कि थोड़ा टेस्ट रिज डिस्कस में अगर डिटेल में डिस्कस किया जाता है तो अच्छी बात है तो अलिनो और लानिनो की घटना कहाँ आपको प्रशांत महासागर में ही होमल्ट या पेरू जलधारा आपको प्रशांत महासागर में हो जाएगा बाकी देखिए यहाँ पे जो है फॉकलैंड जलधारा भी आपको दिख रहा है तो फॉकलैंड हो गया आपको कनारी हो गया और लेब्रोडोर हो गया ये सब अटलांटिक महासागर का है तीनों इसको भी याद रखेंगे ठीक है ये जो है किसका है आपको अटलांटिक महासागर का है तो अटलांटिक महासागर में कनारी फोकलैंड और आपका लेब्रोडोर जलधारा हो गया इस सारा जो है ठंडा ठंडी जलधारा ये भी बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है बहुत ही डिटेल में इसको जो है मैप के माध्यम से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपको आरो के टेस्ट सीरीज में ठीक है तो देखिये मकर रेखा पे बात करें देखिए ये आपका ग्लोब हो गया ठीक है ये बीच में तो आपका जीरो डिग्री लाइन भूमध्य रेखा हो गया ठीक है मकर रेखा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका ईस्ट हो गया ये वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया ठीक है तो साढ़े तेईस डिग्री जो है आपका साउथ वाले मकर रेखा बोलते हैं और इसको हम लोग साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ वाले को कर्क रेखा यहाँ पूछा है कि मकर रेखा से नहीं होकर गुजरता है बोलीविया नंबीविया चिली और मेडा गास्कर मकर रेखा से देखेंगे तो आपका जो है अर्जेंटीना हो गया पराग्वे ब्राजील चिल्ली बोत्सवाना ऑस्ट्रेलिया हो गया मेडास्कर मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका टोंगो और नाम्बीविया जो लोग पहले वाला लेक्चर नहीं देखें देखेंगे मैप के माध्यम से टेस्ट सीरीज में ही हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है चाहे कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो भूमध्य रेखा हो उससे कौन कौन देश गुजरता है जलधारा से कौन सब उसमें जो है लगभग डिटेल में आपको बता दिया गया यहाँ पे देखिए बोलिविया जो है नहीं गुजरता है ठीक है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अगला देखिए निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कथन यहाँ पे देखिए इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कभी कभी सत्य पूछा जा सकता है कभी कभी असत्य भी पूछा जा सकता है भूकंप का सबसे पहले जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं भूकंपीय तरंग को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं देखिए भूकंप आप लोग आंसर कीजिए इसका जहां उद्भव होता है ठीक है तो आप लोग एंसर कर लिया देखिए भूकंप का जहां भी उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं ठीक है तो अर्थ क्विक का जहां ओरिजिनेट होता है ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं तो ये तो पहला गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो जाएगा भूकंपीय तरंग जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है जहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लोग के अधिकेंद्र बोलते हैं उस दोनों ही गलत हो गया तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा अगला देखते हैं प्रश्न संख्या थर्टी फाइव ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा जो है मात्रा में कौन पाई जाती है देखिए अच्छा प्रश्न है जलवास हिलियम कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन इन चारों में आप देखिए ज्वालामुखी जहां भी विस्फोट देखने को आपको मिलता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ये सब जो गैसें देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आप लोग आंसर कर लिए होंगे जलवास्त ठीक है अगला देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित है एटलस पर्वत है ऊंका वांगी द्रोणी है पठार है यहाँ पे बताना है कौन सही सुमेलित है एटलस उत्तरी दक्षिणी अमेरिका अकांगवे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एसिबिया पूर्वी अफ्रीका ये सारा ही सही है ऑप्शन डी बन जाएगा आपका तो मैपिंग वगैरह से थोड़ा सा प्रश्न तो पूछा तो ही जाएगा आपसे ज्योग्राफी में अगुल हास बेसिन स्थित है तो ये कहाँ स्थित है देखिए हिंद महासागर आपका आर्टिक है प्रशांत है देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे ऑप्शन ए ठीक है ये हिंद महासागर में स्थित है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री वेशीन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य सागर की सीमा नहीं बनाती है अब तो देखिए भूमध्य सागर से पूछ रहा है सीमा कौन नहीं बनाती है फिर मैपिंग एक प्रश्न पूछा गया तुर्की जॉर्डन आंसर कीजिए भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका और आपका उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है आप सभी को पता ही है तो इसमें लगभग इक्कीस देश सीमा बनाते हैं टोटल लगभग इक्कीस देश इसमें जॉर्डन नहीं शामिल होता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बाकी देखिए अगर ध्यान देंगे इसमें तो मैप पे आप देख सकते हैं इसको क्लियरली सीरिया टर्की लेबनान आपका स्पेन हो गया फ्रांस मिस्र ये सब जो है इसमें आपको सीमा बनाते दिखेंगे भू सन्नति को पर्वतों का पालना किसे कहा है भू को पर्वतों का पालना किसके द्वारा कहा गया है आंसर आप लोग कर लिए होंगे कोबर के द्वारा अगला प्रश्न देखते हैं जय अवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है कीट है यहाँ पे मछली मानव है जयवर्धन की प्रक्रिया में जो है सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है इसमें मानव का प्रभावित होने का सबसे ज्यादा जो है चांसेस है ऑप्शन सी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है ठीक है देखिए टोंगा यहाँ पे कुक है गिलबर्ट है शामोआ है पोलिनेशिया में देखेंगे तो टोंगा सम आपका ये कुक वगैरह सब आ जाता है इसमें गिलबर्ट नहीं हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखते हैं फोर्टी वन देखिए कथन कारण दिया गया है और इसमें बस ऑप्शन वैसे ही आपका होगा ए आर सही या आर ए का एक्सप्लेनेशन वगैरह करता है कि नहीं अच्छा प्रश्न है देखिए चालीस से पैंसठ डिग्री दक्षिणी के मध्य पछुआ पौनों का सबसे जो है सर्वोत्तम विकास होता है चालीस से पैंसठ डिग्री दक्षिणी आसान के मध्य धरातलीय और अभाव होता है आपको बताना है देखिए बात हो रहा है चालीस से पैंसठ डिग्री दक्षिणी आसान में चालीस से पैंसठ की अगर बात करेंगे इसी में बात की जा रही है पछुआ पौने का सर्वोत्तम विकास होता है बात सही है और दक्षिणी सांस में मत धरातलीय और उधो का भाव है बिल्कुल दक्षिणी सांस में देखेंगे तो धरातल वगैरह कम ही देखने को आपको मिलेगा ठीक है आप देखेंगे उत्तरी जो है ये भाग में यहाँ पे आपको स्थल ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में ये बात सही है बिल्कुल ठीक है आप मैप पे देख सकते हैं क्लियरली आपको विजिबल होगा ऑप्शन ए ही सही बनेगा इसका अगला देखिए निम्नलिखित युगो में से कौन सही सुमिलित नहीं है बताना है एक तरफ स्थानीय पवन है और एक तरफ उनका प्रभाव क्षेत्र है है जो बेसिन उदेशिया में जो है, है कनाडा में ब्लैक रोलर जो है दक्षिणी अमेरिका में शामून ईरान में इसमें बताना है कौन सा सही होगा सही नहीं कौन सा गलत होगा ठीक है बाकी तो यहाँ पे सही है गलत कौन सा होगा ब्लैक रोलर ठीक है ब्लैक रोलर जो है ये दक्षिणी अमेरिका में नहीं उत्तरी अमेरिका में है ठीक उत्तरी अमेरिका में चलने वाले गर्म और शुष्क धूल के पौनों को नाम बोला जाता है ब्लैक रोलर अब देखिए सब पवनों का नाम स्थानीय नाम सब अलग अलग जो है होता है ऐसे जो है उत्तरी अमेरिका में इसको बोला जाता है ब्लैक रोलर निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे हैं ये बताना है मुरारजी देसाई है चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर या चौधरी देवीलाल ऐसे तो उप प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट है नहीं भारतीय संविधान में फिर भी उप प्रधानमंत्री जो है कभी कभी बनाया गया देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर जो भी लोग किए हैं सही है ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं ठीक है जैसे भारत के प्रधानमंत्री थे ये लगभग एक साल तक नब्बे के ड्यूरेशन में मुरारी देसाई जो है आपको ये आपको उन्नीस के करीब इंदिरा गांधी के समय जबकि चौधरी चरण सिंह आपका आ, ये भी जो है उप प्रधानमंत्री रहे हुए थे और यहाँ पे चौधरी देवीलाल भी रहे हुए थे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या फोर्टी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है प्रस्तावना तो आप सभी पढ़े होंगे समाजवादी कल्याणकारी लोकतांत्रिक आप लोग संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक का तो उल्लेख मिलता है कल्याणकारी शब्द जो है तो नीति निर्देशक तत्व तो में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है ये वर्णित है यानी राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है ये जो है कहा लिखा गया है तो ये जो है आपको आर्टिकल अनुच्छेद संतावन में ठीक है अगला देखते हैं प्रश्न संख्या सैतालीस देखिए फिर यहाँ पे जो है कथन कारण दिया गया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ठीक है पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संसद का अभिनंग होता है ठीक है आपको बताना है इसमें कौन सा आपको सही है देखिए ए आर तो यहाँ पे दोनों आपको क्या दिख रहा है देखिए प्रश्न संख्या कितना है ये आपका फोर्टी सेवन है ऐसे तो देखिए संसद जो है आपका राष्ट्रपति ठीक है और आपका लोकसभा हो गया राज्यसभा सब से मिलकर बनता है लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ठीक है ये बात सही है ठीक है राष्ट्रपति सदन का अंग होता है ये बात जो है सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ए आर तो सही है आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है ऑप्शन ए बी हो जाएगा अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सही नहीं है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम जो है एक साल तक कार्य कर सकता है मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद जो है चौसठ नवासी में जो है आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे सिंपली बात है आप लोग सही कर लिए होंगे पहला तो बिल्कुल ही सही है पदेन सभापति राज्यसभा का होता है राज्यसभा का सदस्य जो है बिल्कुल नहीं होता है उन सब में से तो एक नहीं होता है ये मत बराबर होने में निर्णायक मत भी दे सकता है लेकिन ये अधिकतम जो एक साल वाली बात कही गई है ये आपको गलत है ठीक है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में करवाहक जो है उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के रूप में छह महीने तक ये कार्य जो है कर सकते हैं अगला देखिए ये आपको संविधान संशोधन अधिनियम है प्रावधान है ठीक है अब चलिए इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा ताकि आप सभी को ऑप्शन दिख जाए आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा जूम इन होने पर अच्छा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही देखते हैं टेस्ट को चलिए फिर भी देखते हैं यहाँ पे तो संविधान संशोधन है और प्रावधान इसमें कौन किया गया बहुत अच्छा प्रश्न है ठीक है आप लोग आंसर कीजिए इसका बावनवा संविधान संशोधन है उनहत्तरवा है और इकसठवाँ संविधान और तिहत्तरवा संविधान संशोधन देखिए बानवा जो संविधान संशोधन किया गया था दसवीं अनुसूची ये तो सम्मिलित है उनहत्तरवा जो है आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रावधान किया गया था यह भी तो बी का बिल्कुल सुमेलित है इकसठवा में नागरिकों के मतदान की आयु अठारह वर्ष सही है और तिहत्तरवा में भाग भागना होते यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न संख्या आपका पचास किसी भी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है किंतु इस पे आशय की सूचना उन्हें देखिए कोई विधानसभा के अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है लेकिन इनको सूचना जो है कितने दिन पहले देना होगा ये पूछा गया है आसान सा प्रश्न है ठीक है इनको चौदह दिन पहले सूचना आपको देना होता है ठीक है अगला देखिए पहला जो है राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था बिल्कुल ही फैक्चुअल सा प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा यहाँ पे 1955 में अनुच्छेद तीन सौ चौवालीस राजभाषा के लिए आयोग ठित करने का उपगंध करता है कौन सा अनुच्छेद तीन सौ चवालीस ठीक है और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था ये भी बात ध्यान रखेंगे बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग की जो है गठन की बात की गई थी उन्नीस सौ पचपन में बाद में रिपोर्ट वगैरह उन्नीस सौ छप्पन में आपको राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया था और आर्टिकल तीन सौ तैंतालीस के खंड तीन में प्रथम राजभाषा आयोग का रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम भी उन्नीस सौ तिरसठ में आपको बना दिया गया था ठीक है थे इस बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आगे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य किस वर्ष से शामिल किया गया था कि शुरू में तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे तो कब से इनको शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो ये जो है उन्नीस सौ बयानवे से ठीक है आप लोग आंसर सही किए होंगे सत्तरवा संविधान संशोधन था उन्नीस सौ बयानवे में और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वर्ड पर भी ध्यान देंगे निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में ओवरऑल जो है पार्टिसिपेट जो है कौन करता है ठीक है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं पॉइंट नंबर वन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं पॉइंट नंबर टू हो गया और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित यानी विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है ये बात ध्यान में रखेंगे निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए और कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के विशेष अधिकार देता है ये राज्यसभा को विशेष अधिकार देने की बात है अच्छा प्रश्न है ठीक है चलिए इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं देखिए अब आप लोग को ऑप्शन भी दिख रहा होगा यहाँ पे राज्यसभा को विशेष अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है अनुच्छेद दो सौ उनचास है एक सौ नौ है तीन सौ बारह और एक सौ दस है देखिए अनुच्छेद दो सौ उनचास आंसर आप लोग कर लिए होंगे दो सौ उनचास के अंतर्गत क्या है राज्य सूची में वर्णित विषयों में राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया है और अनुच्छेद तीन सौ बारह में देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा सृजन की बात की गई है एक और तीन हो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अगला देखिए प्रश्न संख्या जो है आपका चौवन यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है ठीक है अच्छा प्रश्न है देखिए ऐसे देखेंगे तो मूल कर्तव्य इनिशियल से तो था नहीं बाद में आपको संविधान में भाग चार के कम में और अनुच्छेद एकावन के कम में जोड़ा गया तो इसमें देखिए वन झील नदी और अन्य वन झीलों की रक्षा करना देश की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना मतदान करना आप लोग इंसर्ट कर लिए होंगे काफी आसान सर था ऑप्शन डी ही हो जाएगा ठीक है मूल कर्तव्य अगर देखेंगे तो आपको इक्यावन के कम में शामिल किया गया और इसमें आपको आपको टोटल जो है ग्यारह देखने को मिलेगा ग्यारहवा बाद में ऐड किया गया था कि छः से जो है आपको चौदह वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देना ये ग्यारहवां मूल कर्तव्य कब ऐड किया गया था ध्यान रखेंगे तो आपका छियासवा संविधान संशोधन में ठीक है और इसमें क्या बोला गया था आपको कि से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना है ठीक है संविधान संशोधन कब आया था आपका दो, दो में आया था ठीक है बाकी इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है आपको ये सब ऑलरेडी पहले से बातें जो है इसमें शामिल है संविधान का पालन करें ठीक है आदर्श संस्था राष्ट्र ध्वज का जो है आदर करना चाहिए स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना चाहिए ये सब बातें जो शामिल है बाकी यहाँ पे तीन बातें जो है दिखी रही है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या फिफ्टी फाइव यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है ठीक है अच्छा प्रश्न है यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है बताइए तो ये जो है अनुच्छेद तेरह दो सौ तेईस उन्नीस और बत्तीस आप आंसर कर लिए होंगे अनुच्छेद तेरह अनुच्छेद तेरह जो है न्यायालय को शक्ति देता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित जो मूल अधिकारों का उल्लंघन वाला कोई अगर बात है तो उसका न्यायिक परिलोकन किया जा सकता है न्यायिक पुनलोकन का अधिकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को है दोनों में कोई भी कर सकता है अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है ठीक है साधारण बहुमत से कौन सा जो हम लोग इसमें बात जो है तो इसका देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका अनुच्छेद 106 106 में क्या है आपको कि संशोधन में संसद जो है साधारण बहुमत से जो है सदस्यों का वेतन और भत्ते पे बात कर सकती है बिल्कुल साधारण बहुमत से है। बाकी देखिए पचपन ये राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताता है तीन सौ अड़सठ जो है आपको संविधान संशोधन की बात करता है और एक सौ बयासठ जो है राज्य के कार्यपाल का शक्ति का विस्तार का बात करता है साधारण बहुमत के बारे में आपको बताइए होगा जैसे साधारण बहुमत से रिलेटेड अगर अनुच्छेद देखेंगे आप तो आर्टिकल दो हो जाएगा तीन और आपका सौ सब क्लोज तीन ये सब हो जाएगा बाकी तीन सौ अड़सठ के बारे में याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये संसद में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होती है ठीक है तब ये जो आप हाँ लागू होगा आपका ठीक है पहले तो संसद में विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति होनी चाहिए ठीक है संसद में अब तीन तरह का होता है एक तो संसद में विशेष बहुमत हो काम चल जाएगा ठीक है एक संसद में साधारण बहुमत हो और तीसरा संसद में विशेष मोहनत होना चाहिए और राज्यों का भी आधे से ज्यादा अनुमति मिलना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया बताइए इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है धर आयोग उन्नीस में आया था बिल्कुल फैक्चुअल है जेपीबी समिति उन्नीस में फजल अली आयोग सौ राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस चलिए आंसर आप लोग इसका कर लिए होंगे सही आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी धरायुक्त तो आयुक्त उन्नीस सौ ही था सही है फजल अली उन्नीस में राज्य पुनर्गठन उन्नीस में जेपीबी समिति जो आया था उन्नीस में था ठीक है जवाहरलाल नेहरू थे इसमें पट्टा वीतारमैया थे और नेक्स्ट देखिए वल्लभ भाई पटेल थे निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है ठीक है देखते हैं इसका तत्पर्य मंत्रियों को सूचना एकत्र करना है बजट प्रस्ताव के कटौती करना सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना या इनमें से कोई नहीं स्थगन प्रस्ताव ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना ठीक है ये इसी को हम लोग स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत रखते हैं कृषि लागत और मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथों विचार कीजिए ठीक है और इसमें बताना है आपको कौन सा सही है देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग सी ए सीपी की बात की जा रही है ठीक है सी ए सी पी की बात की जा रही है देखिए पहला इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी ठीक है कृषि लागत और मूल्य आयोग की या न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद मूल्य और आवंटन मूल्य का निर्धारण करने में सरकार को सलाह देती है केंद्र सरकार इसकी संतुतियों को मानने के लिए बाध्य है ठीक है यहाँ पे चूंकि सही पूछा गया है तो यहाँ पे जो सी ए सी पी होता है आपका ये फिरवानी समिति तो होगा नहीं ठीक है तो पहला तो आपको गलत हो गया ठीक है ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बन जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद मूल्य ठीक है सॉरी ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन यहाँ पे सी में दिख रहा है ठीक है तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दो तो सही है यहाँ पे ऐसे दो स्टेटमेंट नंबर सही है न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद मूल्य आवंटन मूल्य का निर्धारण ये करता है ठीक है इसके बारे में ध्यान से थोड़ा सुन लेंगे कृषि उत्पाद और मूल्य निर्धारण के लिए जो है खाद्य मूल्य नीति समिति उन्नीस में चौसठ सिफारिश के आधार पर उन्नीस में जो है लगे आया गया ठीक है उन्नीस में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग जो अभी आपको दिख रहा है केंद्र सरकार इसकी संतुति मानने के लिए बाध्य नहीं है ध्यान देंगे ठीक है तो यहाँ पे दिया है कि संतुति मानने के लिए बाध्य है ये बाध्य बिल्कुल नहीं है चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या साठ देखिए यहां पूछा गया आपके कि विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्व पे जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष पर रंभ की गई थी तो ये विशेष जो है कृषि उपज योजना ठीक है फैक्चुअल सा प्रश्न है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दो हजार में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था आसान सा प्रश्न है लोकायुक्त अधिनियम ठीक है और पारित करने वाला पहला राज्य कौन था आपका उड़ीसा था 1970 ठीक आगे देखते हैं इसके बाद आपका महाराष्ट्र वगैरह में भी राज्य जो है देखेंगे अच्छा इसके बाद ध्यान रखेंगे कि लोकायुक्त वाला तो आपका सही बात है उड़ीसा है और इसके बाद जो है उन्नीस में महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र में जो है लोकायुक्त पद का सृजन भी किया गया था ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए राज्य है और एक गठन का वर्ष है ठीक है ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है कौन राज्य जो है कब बना है तो देखिए यहाँ पे आप आंसर कीजिए अरुणाचल प्रदेश सतासी में पूछा है कि कौन सही ही सुमिलित नहीं है बताना है गुजरात साठ में गोवा उन्नीस में मिजोरम जो है उन्नीस में देखिए गुजरात तो एक मई उन्नीस को ही बना था ठीक है गोवा आपको अगर बात करेंगे तीस मई उन्नीस जो है आपको ये पचासी में ही बना था मिजोरम आपका सतासी में अरुणाचल प्रदेश जो है आपका ये उन्नीस सौ सतासी नहीं अरुणाचल प्रदेश तो उन्नीस सौ सतासी में ही बना था ठीक है ये तो सही है आपका गुजरात उन्नीस सौ है ये भी सही है गोवा जो है आपका ये शायद आई थिंक उन्नीस सौ ये सतासी में बना था गोवा ठीक है तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल तीन ठीक है गोवा जो है उन्नीस सौ सतासी में बना था Uh, मैं अगले लेक्चर में ऐसे क्लियर कर दूंगा ठीक है अभी के लिए ऑप्शन इसका यही ही रखेंगे ठीक है बाकी ये तो सही है मिजोरम जो है उन्नीस सौ सतासी में आता चलिए अगला देखिए किसी उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण किया जाता है किस आधार पर किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निवेशित पूंजी के द्वारा टर्न ओवर के द्वारा विद्युत की खपत के द्वारा तो देखिए उद्योग का स्वरूप बताना है आप देखिए आपको पता ही है कि भारत में जो है नवरत्न महारत्न मिनी रत्न कंपनियां हैं तो स्वरूप के बारे में बात करें तो निवेशित पूंजी भी हो जाएगा टर्न ओवर भी अभी खपत उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा ये कथन कारण है और बाकी ऑप्शन वैसे ही है तो देखिए इसमें देखते हैं पहला जो है कथन देखते हैं तो दिया हुआ है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा आपको मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होता है ठीक प्रश्न संख्या आपका 64 है तो यहाँ पे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इसका ठीक है आप लोग एंसर कर लिए होंगे देखिए बिल्कुल सही है मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभाव पड़ता है मौद्रिक नीति का मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होता है दोनों ही सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हो रहा है अगला देखिए मुद्रा स्पीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों पर क्या है मुद्रा स्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों पर क्या होगा क्रम से स्थिति से या क्रम और स्थिति दोनों से या इनमें से कोई नहीं आंसर करे इसका देखिए मुद्रा स्पीति के बारे में आप सभी को पता ही होगा कीमत के स्तर में अगर वृद्धि होता है और मुद्रा का मूल्य जो है घटते जाता है तो हम इसे मुद्रा बोलते हैं ठीक है तो बढ़ती हुई कीमतों पर ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रा स्फीति अगर देखिए मुद्रा स्फीति होगा इसमें क्या होगा आप जैसे पहले आप मान लीजिए चालीस रुपया खर्च करके आप मान लीजिए एक के जी कोई प्रोडक्ट लेते थे अब जो इसी के लिए आपको पचास रुपया खर्च करना पड़ा ठीक है तो यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से ही हो जाएगा ठीक और ये भी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट इसको माना जाएगा कुछ लंबे टाइम पीरियड के लोग तभी कंडीशन माना जाएगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है विषय है और संबंधित अनुच्छेद है ठीक है इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है देखिए आंसर कीजिए आप लोग प्रशासनिक अधिकरण है समान नागरिक संहिता है परिसीमन आयोग है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है देखिए प्रशासनिक अधिकरण तीन सौ तेईस का कम है समान नागरिक संहिता चौवालीस में सही है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवृत्ति इक्यावन में परिसीमन आयोग का गठन हुआ तो यह अनुच्छेद जो है आपको बयासी है अगला वह स्थिति जब कच्चे माल का आयात शुल्क की दर निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं ये ही पूछ दिया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे सही ऑप्शन डी हो जाएगा जो है ड्यूटी स्ट्रक्चर निम्नलिखित कथनों तो विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है यानी आईबीआरडी को इसका मुख्यालय जेनेवा में है इसमें बताना है कौन सा सही है देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय तो जिनेवा में नहीं है ठीक है ये आपको कहाँ पे है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा बाकी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है सही है केवल एक जो है देखिए ऑप्शन बी में अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया हुआ है केवल एक यहाँ पे डाला जाता था ठीक है तो ऐसे जो है आजकल किया जाता है तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से ऑप्शन देख के और उसके बाद आंसर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थापना की दृष्टि से सबसे अंतिम पे है अब चार देखिए ग्रामीण बैंक है अग्रणी बैंक योजना है भारतीय स्टेट बैंक नबार्ड है इसमें सबसे अंतिम में किसका स्थापना हुआ है आंसर करें चलिए देखिए अगर बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का तो ये तो बना है आपका क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक उन्नीस में अग्रणी जो बैंक है आपका यानी लीड बैंक स्कीम ये उन्नीस में भारतीय स्टेट बैंक ये आपका 1955 में और लास्ट यहाँ पे नवाड़ है ठीक है नवाड़ आपका बयासी में अब पूछा गया था में, में तो प्रश्न संख्या सत्तर नीचे कथन कारण दिया गया है बताना इसमें कौन सा सही है देखिए पहला कथन किन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये है आपका प्रश्न संख्या देखिए तो किन्स के द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को महत्वपूर्णता ज्यादा दिया गया है ये सही है और मंदी की स्थिति में उपचार करने के लिए मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति पर्याप्त सफलता मिलती है इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ठीक है तो ऐसे में क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बन जाएगा

परिवहन और संचार के विकास पर आधारित यहाँ पे, पे बताया गया अच्छा यहाँ पे हम ऑप्शन सी कर दिए हैं यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ठीक है ऑप्शन यहाँ पे बी कर लीजिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब यहाँ पे सार्वजनिक ऋण को चुकाने के लिए भुगतान से इसका संयोजन के लिए आर्थिक विकास के लिए या विदेशी ऋण कम करने के लिए भारत तो आपको पता ही है कि विकासशील देश है यहाँ पे आंसर करें आप लोग ठीक है यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए घाटे का बीज व्यवस्था बनाया जाता है हमेशा देखिए कुछ कर्ज लेके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लगा के उसे ज्यादा अर्निंग किया जाए तो बेहतर बात है तो आर्थिक विकास के लिए किया जाता है भारत तो विकासशील देश है घाटे तो का बीज व्यवस्था का मुख्य देश है इसमें कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ठीक है अगला देखिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग उंगुलियों के निशान के बहुरंगी सतह पे उभारने के लिए किया जाता है फुलरेसिड जो है पाउडर है क्रिस्टल है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है स्वर्ण धूल है तो देखिये फुलसेंट जो है पाउडर ठीक है इसका इस्तेमाल हम लोग अंगुलियों के निशान पे बहुरंगी जो है सतह को उभारने के लिए यहाँ पे करते हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब ये थोड़ा सा साइंस का प्रश्न आपके लिए रहेगा तो देखिए इसमें अभी आपका हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया इकोनॉमी हो गया अब साइंस है इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको मिलान करना है ठीक है देखिए क्लोरो जो है माइटोसिन है क्रिस्टल पायलट है कायल है न्यूकोमिकसिक है आपको यहाँ बताना है कौन सा सही होगा देखिए क्लोरोसिन ये तो आपका हो जाएगा टाइफाइडिन टाइफाइड नासी हो जाएगा तो ये तो आपका एक का दो हो गया ठीक क्रिस्टल वायलेट ये प्रतिरोधी है तो ये तीन हो जाएगा कलाय खंज ये जो है खिचरी दाल हो जाएगा और लास्ट में आकर न्योमोकोनियोसिस तो बात लास्ट में इसमें बचा ही आपका कोयला खनन तो यहाँ पे दो तीन चार देखेंगे ऑप्शन आपका सी बनेगा ठीक है अगला देखिए अगला पूछा गया है आपका मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है मेटॉक्स परीक्षण किस में 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 किया जाता है देखिए रोग में, कैंसर एड्स में, में तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका ठीक है ऑप्शन ए छय रोग में ही किया जाता है टीबी में ठीक है इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से से, से त्वचा में जो है ट्यूबरकोलोनिक नामक तरल की अल्प मात्रा में इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है यानी छह रोग में मेटॉक्स परीक्षण किया जाता है ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बिसक्ता रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है ऑक्सीजन जो है एक जगह से शरीर में दूसरे जगह तक ले जाया जाता है ऐसे में जो है कौन प्रभावित करता है इसको आसान सा क्वेश्चन है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बिसक्ता रक्त के ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है मोनोऑक्साइड अगर मान लीजिए आपके हेमोग्लोबिन में जुड़ जाए तो क्या कार्बॉक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है और ऐसे में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला जो है क्षमता क्या हो जाएगा बाधित हो जाएगा भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा जादूगोड़ा अभी देखिए इसी हम लोग सेट में इसको किए थे ठीक है भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड ये जो है आपका जादूगोड़ा हो जाएगा ठीक है उन्नीस सौ सड़सठ में ठीक है इसका मुख्यालय जादूगोड़ा में ही है। आगे देखिए भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था ठीक है तो ये पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है पांचवी है छठवी है सातवीं आंसर कीजिए आप लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था भोजन का कामर उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना कब उन्नीस सौ आपको जो है पचासी से नब्बे तक चला था ठीक है अभी तो खैर ये सब नहीं है एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव प्रोटीन अकार्मिक यौगिक अकारिकंद आप आंसर इसका कर आसान सा क्वेश्चन है एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होते हैं ठीक है एंजाइम का खोज किसके द्वारा किया गया था तो जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने ठीक है कोहने के द्वारा जो है एंजाइम का खोज आपको किया गया था अगला देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है बीज रहित यहाँ पे बात एथेलिन है जिबलि है साइटोकाइनिन है एफिनिक जो है अम्ल है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जिबलिबलि जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और ये जो होता है आपका बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है फसल है और उनका प्रजाति है औवला कंचन है सरसों वर्णा मटर सपना भिंडी सूर्या अच्छा यहाँ पे पूछा गया कौन नहीं है सूर्या जो है आपका आम पपीता और आलू का प्रजाति है तो भिंडी नहीं हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ही बन जाएगा बाकी सब सही है निम्नलिखित कत्नों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है देखिए श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने के पद किब्स चक्र होता है पहला किब्स चक्र कोशिका के माइटोकंडिया में संपन्न होता है बिल्कुल ही दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ही बनेगा अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कौ तथा उच्चतर पात्रों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो लाइकेन है कवक मूल है परवाल मूल है या सहवाल है यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा एक कव और उच्चतर पात्रों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बी कवक मूल ठीक है अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों तो विचार कीजिए अच्छा प्रश्न है बताइए कौन सा सही है इसमें देखिए समतल दर्पण का बक्रता तिर्जिया अनंत होता है बिल्कुल ये बात क्या है सही है चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पे बनता है ठीक है देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका कि समतल दर्पण की जो वक्रता तिजिया इन्फेनाइट होती है जल के अंदर जो वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति ही और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर रेटिना पे ही बनता है तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित को विचार कीजिए बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है एक तरफ पदार्थ है एक तरफ इनका उपयोग है इसमें क्या बताना है सही कौन नहीं है वेनाड्रिल फिर है कार्बन जो है टेट्राक्राइड टेक्सॉल नाइट्रोसेलुलोज ठीक है देखिए तो यहाँ पे है वेनाड्रिल प्रति जो है हिस्टोमिन कार्बोटेटक जो है क्लोराइड आप लोग देखे होंगे अग्निशामक में ही प्रयोग किया जाता है ये भी तो सही है टेक्साल वाला भी सही है कैंसर रोधी दवा है नाइट्रोसेलोज ये गलती हो गया आपका नाइट्रोसेल विस्फोटक होता है तो ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए रक्त में प्रतिन पदार्थ कौन सा होता है ठीक है रक्त के जो थक्का जमाने में जो बीमार होता है ठीक है तो ये जो है क्या हो जाएगा हिप्रेन ऑप्शन सी ही हो जाएगा आसान सा प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है ठीक है रक्त का थक्का जो है इसके वजह से जमता है प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किन का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है कौन से रंग का जो है तीव्र गति से अवशोषण किया जाता है अच्छा प्रश्न देखिए बैगनी नारंगी नीला लाल इंडिगो पीला पीला और बैगनी ठीक है ऐसे तो प्रकाश संश्लेषण जो देखेंगे तो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में होता है नीला और लाल रंग जो है काफी तीव्र अवशोषण होता है लाल का सबसे जो है तेज ठीक है तो लाल रंग में जो है सबसे जो है तेजी से प्रकाश संश्लेषण होता है ठीक है आप लोग एक आप लोग से एक प्रश्न है कि आप लोग बता सकते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या प्रकाश संश्लेषण जो है फोटो होता है या नहीं होता है बस आपको यस या नो में आंसर बताना है जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे पे प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है आगे देखिए अगला क्वेश्चन है शिव डोमानस जो है सोलेन नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक होता है देखिए तो यहाँ पे जो है देखेंगे विल्ट ऑफ रोग है वंसी टॉप ऑफ बनाना है एंगुलर जो है लिफ ऑफ स्टॉप कॉटन है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ही हो जाएगा. विल्ट आप रोग. विल्ट रोग, रोग जीवाणु के कारण ही होता है ठीक बाकी बंची बनाना है और ये बंची आप बनाना आपको बनाना वायरस वन से होता है एंगुलर जो है लिफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये जो है आपका रोग का कारक बनता है जैथु मोनस जीवाणु जैथुमोनस जीवाणु से पेडाइटो जो है मोजेक रोग ये जो है पेडाइटो वायरस एक्स के कारण होता है निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब का सही क्रम लगाना है ठीक है आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए पश्चिम से पूरब यहाँ पे बताना है ठीक है तो मान लीजिए एक बॉक्स बना लेते हैं ये पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया पश्चिम से पूरब लगाना है आपको क्रम ठीक है देखिए गंगा गंडक घाघरा गोमती है गंगा गोमती घाघरा गंडक गंगा गोमती गंडक घाघरा ठीक है आप आंसर कर लिए होंगे देखिये ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा गंगा फिर गोमती फिर घाघरा फिर गंडक इटावा घराना प्रसिद्ध है किसके लिए तो ये तो आसान से सरोद वादन के लिए ऑप्शन ये हो जाएगा अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91 वन वर्ष दो हजार के जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिला कौन है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में तो देखिए यूपी स्पेशल वाला जाके आप लोग वीडियो देख लेंगे मैप के माध्यम से बताया गया सारा कुछ उसमें आपका जनसंख्या वगैरह और यूपी में क्या विशेष है सब कुछ आपको बताया गया दो हजार का ही हम लोग के पास अभी रिपोर्ट है और एक गौतम बुद्ध नगर ठीक है शिशु लिंगानुपात में याद रखेंगे कि आपका अच्छा एक आध बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश में जन घनत्व के मामले में अगर पूछा जाए तो गाजियाबाद नंबर वन पे रहेगा आपका ठीक है और दूसरे नंबर पे आपका वानसी वगैरह रहेगा ठीक है सबसे कम जन जनघनत्व वाला पूछा जाएगा तो ललितपुर हो जाएगा ये कथन कारण दिया गया है बताना इसमें कौन सा सही है हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है हरे पौधे को दूसरा पौधे में संचित भोज्य पदार्थ को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप लोग आंसर कर भी लिए होंगे ठीक है यहाँ पे देखिए ऑप्शन वैसे ही है देखिए पौधे में पहला जो ऑप्शन है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है तो ये बात तो सही है ठीक है हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक ही होते हैं पौधे में संचित भोज्य पदार्थ को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा जो है ग्रहण करता है तो पौधे में जो एनर्जी होता है उसे ही ग्रहण किया जाता है तो ये भी सही है ठीक है चाहे अप्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो ठीक है तो दोनों ही सही है ऑप्शन ए हो जाएगा आसान सा प्रश्न था ये देखिए स्वपोषी होते हैं पौधे आप सभी को पता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा है? कीट भक्षी पौधे के संबंध में सही है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं ठीक है जैसे ही कीट उस पर जाता है वो अपने पत्ते को जो है तुरंत बंद कर लेते हैं जैसे पूछा गया सही उत्तर बताइए कौन सा होगा देखिए इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है कीट कीटभक्षी पौधों में ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे भूमि की नाइट्रोजन की कमी होती है ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं ठीक है बताना है सही कौन सा है देखिए पहला तो सही है हरी पत्तियां पाई जाती है ये उन स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं ऑप्शन आपका डी बन जाएगा नाइनटी फाइव देखते हैं देखिए यहां पूछा गया निम्नलिखित कत्नों विचार कीजिए बताइए कौन सा इसमें सही है मैग्नीशियम क्लोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक है, है मैग्नीशियम पोटेशियम और उत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक जो तो है तत्व है देखिए बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए जरूरी है पोटेशियम सर्जन के लिए जरूरी है तो ऑप्शन आपका सी ही बनेगा अगला देखिए उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किया गया ठीक है तो ये कब किया गया में प्रश्न है उत्तर प्रदेश जो है ऊर्जा स्रोत विभाग के द्वारा जो है वैकल्पिक ऊर्जा विकास का गठन किया गया था कब उन्नीस में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास कहाँ करती है ठीक है तो यूपी स्पेशल एक प्रश्न है आपका ये गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा गया था जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है पूछा जाता, जाता तो आपका आंसर हो प्रयागराज अगला देखिए पे आपको सुमेलित करना है यहाँ पे आई आई वी आर है यानी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वेजिटेबल रिसर्च है आपका पहला फिर आपका दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका पल्स रिसर्च ठीक है ये पी आर है मैं बताता हूँ आई आई एस आर है यानी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका शुगर के रिसर्च है और लास्ट में यहाँ पे आई आई एच आर है ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर है बस आप आंसर कीजिए देखिए हार्टिकल्चर वाला तो आपका बेंगलुरु में हो जाएगा ठीक है जबकि देखेंगे शुगर के रिसर्च वाला ये लखनऊ में ही ठीक है ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स वाला बात करेंगे तो कानपुर में और आपका वेजिटेबल वाला बनारसी में बस आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा एक दो तीन चार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था चौबीस जनवरी आपका दो हजार उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है आपको पहले तो संयुक्त प्रांत के स्थान पे जो है आपको ठीक है तो उत्तर प्रदेश आयोजन पूछा जाए चौबीस जनवरी जो है दो करेंगे अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है नाइनटी देखिए 99 सेट प्रश्न रह गया ये कितना है 99 तो हो गया 100 ही ठीक है देखिए उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है आसान सा प्रश्न है बिल्कुल 7.33 प्रतिशत ठीक है प्रतिशत में देखेंगे 7.33 ऐसे देखेंगे तो भौगोलिक क्षेत्रफल आपका ये जो हो जाएगा वर्ग किलोमीटर ठीक है भारत का कितना है तो भारत का आपका बत्तीस सतासी दो सौ तिरसठ ठीक है उत्तर प्रदेश कितना है आपका दो लाख चालीस हजार नौ सौ अट्ठाइस ये लगभग इसका सात दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो जाएगा अगला देखें निम्नलिखित कत्व विचार कीजिए और आपको सही बताना है उत्तर प्रदेश में भू तत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना उन्नीस में हुई थी उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना उन्नीस में हुई थी इसमें बताना है कौन सा आपको सही है देखिए सबसे पहला है उत्तर प्रदेश आपका तत्व खनिज निदेशालय की स्थापना उन्नीस सौ यहाँ पे पचपन दिया है अच्छा यहाँ पे असत्य कथन बताना है ठीक है सही नहीं बताना है तो देखिए उत्तर प्रदेश तत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना तो पचपन में ही हुई थी सही है आप आंसर कर लिए होंगे उत्तर प्रदेश राज खनिज निगम उन्नीस दोनों ही सही है तो आप ऑप्शन तो डी हो जाएगा चूंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है अगले देखिए सूची को सुची दोष मिलाना है एक तरफ मेला उत्सव है और एक तरफ दूसरे तरफ स्थान है चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लिया जाता है देखिए इसके आंसर आप लोग कर सकते हैं देखिए रामायण मेला जो है कहा लगता है बटेश्वर मेला कलिंजर मेला और सोरा मेला चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे रामायण मेला आपको चित्रकूट में ही बटेश्वर आगरा में ही कलिंजर, बादरा में ही सोरो आपको कासगंज में ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए यूपी स्पेशल कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास हुआ है ये भी प्रश्न देखिए सोलह महाजनपद थे आप सभी को सूर्शेन, सूर्शेन है सूरसेन सूरसेन जो आपको अगर देखेंगे सोलह महाजनपद में तो आठ जो है उत्तर प्रदेश में आपको अवस्थित थे इसमें सूरसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास में देखने को सूरसेन तो मथुरा की राजधानी भी थी उसे आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पे स्थित नहीं है पूछा है ठीक है बेतवा नदी पे कौन स्थित नहीं है यहाँ पे माता टिल्ला है राजघाट है रानी लक्ष्मी बाई बाण सागर बांध हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा ये आपको सोन नदी पे है अगला आपका है पंचायती और नगरी निकाय के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी आपका अप्रैल उन्नीस ये सब स्टेटिक फैक्ट है इसको याद करके रखेंगे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमलित नहीं एक तरफ मंदिर है और एक तरफ उनका स्थान है ठीक है देखिए गोविंद देव मंदिर है मथुरा में दशावतार मंदिर ललितपुर में है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में है दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ठीक है ऑप्शन यहाँ पे चूंकि सही नहीं पूछा गया दशावतार तो ललितपुर में ही हो जाएगा गोविंदपुरी मथुरा में दिगंबर कौशाम ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर दिया है यहाँ पे जबकि ये आपका सोनभद्र में है निरुखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत नहीं है पूछा गया है कजरी अल्हा रसिया या कार्तिक गीत आंसर आप लोग कर लिए होंगे देखिए कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में अल्हा जो है बुंदेलखंड में रसिया जो है आपका ब्रजभूमि में ठीक है तो यहाँ पे जो है कार्तिक गीत ये नहीं है अगला देखिए कथन कारण दिया गया है बताना इसमें कौन सा सही है दो फरवरी को विश्व आदर भूमि जो है, दिवस मनाया जाता है इस दिन रामसर कर होंगे। दो फरवरी को आदर इसी दिन हुआ था ठीक है। तो दो फरवरी उन्नीस सौ इकहत्तर को हुआ था रामसर ईरान में ठीक है अगला देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग कर लेंगे नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है ये नया जनसंख्या बम क्या है ठीक है देखिए तीसरी दुनिया में वृद्धि की जनसंख्या में वृद्धि तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकट तो देखिए नया संख्या में बम का अर्थ क्या है पे ऑप्शन भी हो जाएगा तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की संख्या अगला देखते हैं प्रश्न संख्या एक अब देखिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रश्न होगा देखिए पहला प्रश्न दिया है दो घड़िया एक साथ आठ बजे बजना प्रारंभ करती है जैसे आप अलार्म वगैरह लगाते हैं पहली घड़ी सेकंड में और दूसरी घड़ी इक्कीस दोनों एक घड़ी पे दिया है कि, दोनों घड़िया जो है आठ बजे बजना प्रारंभ करती है ठीक है दोनों आठ बजे बजना पर करती है पहली घड़ी चौदह सेकंड में और दूसरी घड़ी आपको इक्कीस सेकंड में चौदह सेकंड में और दूसरी घड़ी इक्कीस सेकंड में बजती है ठीक है चलिए तो अगर देखेंगे तो हर एक घंटे में एक बार ही बजेगी अलार्म आपका एक घंटे में एक ही बार बजेगा लगभग तो आठ बजे तक आठ बार बजेगा यानी लगभग समय अंतराल सात बार का बनेगा ठीक है सात बार का समय अंतराल बनेगा और चौदह सेकंड में बजता है ये तो चौदह बटे अगर सात करेंगे तो ये दो सेकंड जो है प्रति समय अंतराल समय लेगा और दूसरा इक्कीस है तो इक्कीस और डिवाइड अगर सात करेंगे तो यहाँ पे तीन सेकंड वाला आ जाएगा तो ऐसे देखेंगे तो ये तीन सेकंड और सेकंड एक साथ बजने की बात है तो छह सेकंड बाद जो है एक साथ बजेगी ठीक है ऑप्शन इसका जो है आपका डी हो जाएगा अगला देखिए आसान सा प्रश्न है गो का कोड दिया है यहाँ पे थर्टी टू ए सीच का कोड दिया है सम का कोड क्या होगा देखिए अब एक तो तरीका ये है कि आप कोड जो है अपोजिट और एक सीधा वाला दोनों याद कर ले नहीं तो दूसरा है एक और तरीका है कि आपको मान लीजिए याद नहीं है तो आप ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं ठीक है तो ये टेबल लिख सकते हैं जो बचपन में आप लिखते थे ठीक है आप ए बी सी डी करके लिख सकते हैं ए हो गया बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक दो तीन चार हो गया पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जे के एल और एम तक लिख दें इसके बाद फिर एन यहाँ पर लिखें ओ पी क्यू आर एस टी डब्लू एक्स वाई और जेड अब इसके बाद आपका दूसरा काम है नंबरिंग कर ले इसका तो ये वन हो गया टू हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व और थर्टीन और ये आपका बन जाएगा फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन ये हो गया आठ, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर मैं एक बता दे रहा हूँ आपको अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इस प्रश्न को और ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता ही है ठीक है अब दूसरा क्या करें उल्टा एक बार लिख ले तो ये वन नंबर पे हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये हो जाएगा फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स बस ये टेबल आप लिख लिए इस तरह से जैसे एबीसी को आप लिख लेते हैं कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे गो का कोड कितना दिया है गो का कोड दिया है थर्टी टू अब देखिए गो कैसे थर्टी टू दिखा जा सकता है जी तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे सात नंबर पे जी दिख रहा है सात पे और ओ कितने पे दिख रहा है अगर लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन की बात करें ओ देखें तो यहाँ पे वो दिख रहा है पंद्रह पे अब सात और पंद्रह को ऐड करेंगे तो बाईस आएगा ये तो बत्तीस है ठीक है ये फिट नहीं बैठ रहा है तब हम लोग देख लेते हैं जी को अपोजिट साइड से जो है कोडिंग अगर करें हम लोग ठीक है राइट टू लेफ्ट करें तो जी का कोड कितना है बीस है चलिए तो जी के बदले हम लोग बीस लिख देते हैं प्लस ओ है ओ को अपोजिट साइड से देखें तो ओ जो है कितने पे है बारह पे है बारह अब देखिए बत्तीस बीस और बारह जैसे जोड़े बत्तीस आ गया तो आपका कोड मिल गया ये ठीक है तो गो को जो है अपोजिट वर्ड यानी अपोजिट वाला वाला लिख रहे हैं वैसे अपना आंसर आ रहा है अब एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इसमें आठ है, तो है, है, है।, है? है। चलिए अच्छा बात है यहाँ पे आठ है आठ लिख लेते हैं प्लस एच का कितना है यहाँ से तो एच का यहाँ पे उन्नीस दिख रहा है उन्नीस लिख लेते हैं प्लस ई का कोड कितना है बाईस है बाईस लिख लेते हैं ऐड करें इसको नौ दो ग्यारह ग्यारह आठ आपका उन्नीस हो गया नौ दो एक तीन एक चार देखिये उनचास आ गया यानी सिंपल सा अपने को पता चल गया कि बस अपोजिट लिखना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है सम का कोड लिखना है लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा सम लिख लेते हैं हम लोग एस ओ एम ई एस को क्या लिखेंगे हम लोग आठ प्लस ओ को क्या लिखेंगे हम लोग बारह प्लस एम को क्या लिख देंगे देखिए यहाँ पे आपको एम किधर गया एम यहाँ पे एम का है चौदह इसके बदले चौदह लिख देंगे प्लस यहाँ पे जो है इसके बाद ई है और ई का कोड कितना है बाईस बस सारे को ऐड करें ठीक है तो सारे को ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो चार छः दो आठ 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 सोलह ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा दो एक तीन तीन एक चार चार एक पांच आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को ठीक है इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर मान लीजिए आपको अगर याद है ठीक है नंबरिंग उल्टा और सीधा दोनों याद होना चाहिए ठीक है तो याद है तो अच्छा बात है नहीं है तो ये आप कर सके जो है ऐसे प्रश्न को बिल्कुल सही बना सकते हैं अगला प्रश्न चलिए देखते हैं राजेश दस किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से फिर छह किलोमीटर दक्षिण की ओर ये डायरेक्शन का प्रश्न है फिर वो तीन किलोमीटर पूर्व की ओर बताए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है देखिए सारा क्वेश्चन को अगर डिटेल में अच्छे से बताया जाए टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है तो बाकी हम कोशिश करते हैं कम से कम समय में बताया जाए लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुंच पाए ठीक है तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है तो सबसे पहला अपना काम होता है डायरेक्शन में डायरेक्शन लिख देना है ये ईस्ट है आपका पूरब ये पश्चिम वेस्ट हो गया ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया सबसे प्रश्न जो है शुरुआत में क्या दिया है राजेश दस किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है चलिए यही पॉइंट हम ले ले हैं। लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ से दस किलोमीटर उत्तर की ओर पहुंच जाता है चलिए इस पॉइंट पे आ गया राजेश मान लेते हैं ये हो गया दस किलोमीटर ठीक है अब देखेंगे नेक्स्ट तो वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है अब यहाँ से दक्षिण जाना है कितना छ किलोमीटर जाना है तो यहाँ से अगर दक्षिण जाएगा तो ये ऐसे ही जाएगा तो मान लीजिए कुछ ये पॉइंट आ गया चलिए इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग रिज्यूम कर लिए ठीक है सबसे पहले कहा जा रहा है उत्तर की ओर तो उत्तर की ओर हम लोग भेज दिए कितना दस किलोमीटर फिर ये दक्षिण की ओर जा रहा है तो यहाँ से जो है दक्षिण कौन सा हो जाएगा नीचे वाला डायरेक्शन ही हो जाएगा तो यहाँ से छः किलोमीटर आ गया चलिए यहाँ पे आ गया छः किलोमीटर अब अगला दिया है कि फिर वह तीन किलोमीटर पूरब की ओर जाता है अब यहाँ से पूरब कौन सा हो जाएगा सिंपल सा बात पूरब इधर ही होगा ठीक है तो इसी रास्ते पे लौटेगा ना यहाँ पे कुछ पहुंचा होगा और इसके बाद पूरब आ जाएगा पूरब कितना जाएगा तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर आ गया फिर दिया है पूरब की ओर बताया कि वो अपने प्रारंभिक बूंदी से बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्रारंभिक बिंदु क्या था इसका यही था यहीं से चलना स्टार्ट किया था ये अच्छा ये यह यहाँ से दस था टोटल और यहाँ पे छः आ गया तो ये तो चार ही होगा कोई दिक्कत नहीं है और ये तो तीन है ठीक बहुत है बहुत ही आसान है ये तीन हो गया चार हो गया बस आपको ये बताना है ठीक है प्रारंभिक बिंदु से तो तीन चार हो गया तो ये करेंगे तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर रूट अंडर नौ छः सोलह पाँच आ जाएगा अब अगर इसका डायरेक्शन बताना है तो भी आप बता सकते हैं अब देखिए यहां से डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे इसका ये तो आपका ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये नॉर्थ और ये साउथ आप देख सकते हैं क्लियरली कि, कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच है ठीक है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच हो गया तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितना तीन किलोमीटर अब आंसर देखते हैं हम लोग कितना आया था ये तीन नहीं पांच आया था पांच आया था पांच, पांच, पांच किलोमीटर तो पाँच किलोमीटर आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा ठीक है यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्लियर है तो देखिए यहाँ पे पाँच किलोमीटर पश्चिम में भी दिया हुआ था पांच आंसर लाते तो आपका काम नहीं चलता आपको डायरेक्शन भी बताना था डायरेक्शन बताना है बहुत ही सिंपल सा कहानी है इसमें कोई यहाँ पे चार लाइन ऐसे ले लीजिए ठीक है और यहाँ पे ईस्ट लिखिए यहाँ पे वेस्ट लिखिए यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ अब जैसे जैसे बोल रहा है मूवमेंट कराते जाइए अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले तो नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे जनरली जो है आप अगर के स्टूडेंट है, है तो आपको नॉर्थ पहले बोलना चाहिए ऐसे ईस्ट नॉर्थ भी आप बोल सकते हैं ठीक है पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं गलत नहीं होगा लेकिन नॉर्थ ईस्ट यानी आप उत्तर पूर्व बोलते हैं तो ज़्यादा सही होगा नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं इसके बीच वाले को ठीक है और ये अगर बीचों बीच ऐसा कुछ है तो इसको साउथ वेस्ट बोल सकते हैं ठीक है इसको आप साउथ ईस्ट बोल सकते हैं ठीक चलिए आप लोग का प्रश्न हो गया ऑप्शन डी हो गया चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या एक सौ तेरह यहाँ आप क्या बोल रहे हैं एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है ठीक है चलिए इसको सोल्व करते हैं इसके लिए आप ट्री डायग्राम बना लेंगे आसानी से सोल्व हो जाएगा एक पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा ठीक है एक मान लेते हैं कोई पुरुष है ये मेल है एक महिला का परिचय देते हुए कहता है इसकी माँ मेरी सास की इकलौती मान लीजिए कोई महिला हो गई ठीक है इसकी माँ महिला के माँ चलिए महिला के माँ यहाँ पे कर देते हैं इनकी मां हो गई महिला की ये इनकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है अब इनकी सास इनकी सास चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इनकी इकलौती पुत्री ठीक है तो पूछा गया है कि उस पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध होगा ये तो सिंपल सा है पुरुष का महिला के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ठीक है ये महिला का ये पिता ही हो जाएगा ठीक चलिए अगला देखते हैं बाकी दूसरे कोई तरीके से भी आप बनाते हैं तो बना लेंगे ठीक है अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ बताया गया है डिटेल में रीजनिंग का एक लाइव लेक्चर जो है किया गया था वहां पे डायरेक्शन वगैरह बड़ी डिटेल में बताया गया है चार से पाँच घंटे में पूरा रीजनिंग का आप रिविजन कर सकते हैं लाइव सेक्शन में जाकर वहां पे रिविजन कर लेंगे आप लोग ठीक है देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से अठारवे अक्षर के बाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा सबसे पहला बात तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है उसका पहला आधा पहला आधा यानी छब्बीस लीटर होता है तो तेरह लीटर अब ए से लेके एम तक का बात कर रहा है ठीक है इसको अपोजिट में लिख दिया जाता है यानी कहानी शुरू होता है एम से एम से लेके ए तक ठीक है तो वैसे यदि आप लिखे ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे तो ए हो गया बी हो गया सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ठीक है ये तो सही हो गया लेकिन उल्टा आपको लिखना है तो उल्टा लिखेंगे तो पहले एम हो गया एम के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका एल हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपका के हो जाएगा और इसके बाद जे इसके बाद देखे तो आई हो जाएगा आई के बाद एच जी एफ ई डी सी बी और फिर ए चलिए हम लोग लिख लिए लेकिन अब इतना से काम नहीं चलेगा इसके बाद वाला भी तो आपको लिखना होगा तो इसके बाद वाला अगर लिखेंगे हम लोग तो ऐसे तो एम हो गया एम के बाद एन होना चाहिए तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड चलिए हो गया अब हम लोग लिख लिए पहला काम पूरा हो गया अब दूसरा काम क्या है स्टेटमेंट देखिए विपरीत क्रम में तो आपके बाएं से अठारवें अक्षर तो सबसे पहला बात है बाएं से अठारहवें अक्षर पे जाए तो बाया तो लेफ्ट यही हो जाएगा आपका यहाँ से अठारवा अक्षर कौन सा होगा तो देखिए एक हो गया ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये तो तेरवा ही नंबर आता पहले हम लोग को पता था लेकिन फिर भी हम दिखा दिए आप लोग को तेरह हो गया चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो ये जो आर हो गया बाएं से अठारवा नंबर पर हो गया अब आगे क्या बोलता है अठारवे के बाई और छठा अक्षर ठीक है अब इसकी भी बाई और छठा अक्षर बताना है तो इसका बाया कौन हो जाएगा आर का बाया इधर ही होगा ठीक है छठा अक्षर कौन हो जाएगा तो पहला हो गया ये दूसरा ये तीसरा चौथा ठीक है अगर यहां से काउंट करेंगे अगर वन से काउंट करेंगे देखिए वन से काउंट करेंगे यहां से तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा हो गया और ये छठा ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिए आंसर क्या हो जाएगा बी क्लियर है तो बस इसमें स्टेटमेंट पढ़ना था लिखना था इससे बाएं और से देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है बी आंसर बनेगा ठीक है मिस्टेक करेंगे तो आंसर ए आ जाएगा फिर नहीं तो कुछ और आ जाएगा तो ऑप्शन ए हो गया चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न अगला प्रश्न दिया है ए बी ए और ऐसे क्वेश्चन को जो है करना है तो बिल्कुल ही सिंपल साधारण इसका तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे तीन है और चौथे पे आपको भरना है अब देखिए कहीं चार लेटर है क्या हाँ बिल्कुल है यहाँ पे चार लेटर दिख रहा है आपने को बी ए सी ई यहाँ पे देखिए बी ए सी ए दिख रहा है तो यहाँ पे बी ए और ए दिख गया आपको ठीक है यानी डबल यहाँ पे दिख रहा है और बी दिख रहा है तो यहाँ पे सी कम है यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे सी भर देंगे ठीक है तो पहला में सी अब देखिए ऐसे में ए बी और सी ऑप्शन में सी है डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया डी तो आपके आंसर नहीं होने वाला है अब अगला देखिए यहाँ पे बी ए सी हो गया अब यहाँ पे बी ए है तो यहाँ पे क्या फील होगा आपका ठीक है अगले में जो है अच्छा यहाँ पे आप अपोजिट साइड से भी लगा के देख सकते हैं यहाँ पे ए सी ए है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो सकता है बी हो सकता है अब देखिए लास्ट में तो बी आ रहा है लास्ट में बी यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है तो ए भी आपका एलिमिनेट हो गया अब तो चलिए इतना काम हो गया अब यहाँ पे क्या फिलअप होगा ये अब नेक्स्ट देखना है अपने को तो देखिए ये चार पेयर बना सी ए बी ए फिर देखिए यहाँ पे चार पेयर फिर देखिए चार पेयर तो फिर यहाँ भी चार का पेयर बनाएंगे तो बी ए तो ऑलरेडी है यहाँ पे ठीक है बी ए तो ऑलरेडी है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए तो यहाँ पे आपका सी ठीक है तो ऑप्शन इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ही बन जाएगा ठीक है और यहाँ पे भी सी ही हो जाएगा चार चार का पेयर लगा लीजिए यहां पे और फिर आपका आंसर आ जाएगा अगला देखिए अगला है दो तीन चार नौ सोलह चौवन छियानवे अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा किस तरह सीरीज आगे बढ़ रहा है यहाँ पे दो है और इसके बाद चार है चार के बाद देखिए सोलह है सोलह के बाद छियानबे है कैसा रिलेशन है ये तो दो से दो मल्टीप्लाई करेंगे दो में यदि दो से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है फिर देखिए चार में यदि आप यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई करते हैं सोलह में यदि से तो ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है ये ठीक है दो चार छ चलिए अब ऊपर वाले को देखते हैं कि आखिर लेकिन हमको जो है ये छानवे के बाद वाला हमको तो यहाँ वाला लिखना है ये बाद वाला लिखना रहता तो दो चार छ है तो हम लोग आठ करते हैं यहाँ पे और बाकी अपना आंसर आ जाता लेकिन यहाँ पे देखिए तीन हो गया नौ हो गया तीन के बाद नौ यानी तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर नौ में देखे तो छह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब क्या होना चाहिए तीन छात्रा नौ, नौ हो गया आपका नौ से छ चौवन हो गया तो चौवन में नौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका चौवन में नौ से नौ चूगा छत्तीस तीन नौ पैंतालीस और तीन अड़तालीस चार सौ छियासी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो ऐसा ऐसा प्रश्न भी आता है जैसे पहला का रिलेशन तीसरे को होता है तीसरा के बाद पांचवा पांचवा हो जाएगा सातवा के साथ वैसे ही दूसरा हो जाएगा आपको चौथे के साथ चौथा हो जाएगा छठे के साथ ठीक है तो आप लोग समझ चुके होंगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला आपको अर्थिनोलॉजिस्ट बर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट अब ऐसा जो है क्या होने वाला है तो देखिए यहाँ पे प्लांट है एनिमल है और देखिए यहाँ पे मानव विज्ञान है तो अर्थिनोलॉजिस्ट जो है बर्ड पक्षियों के समस्या वगैरह को देखता है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है तो मानव विज्ञान हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अगला देखिए और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो आई जे एल है एम एन पी है अब देखिए वो जो अब अभी चार्ट लिखे फिर ये काम आ सकता है तो आई कितने नंबर पे था वहाँ पे जे और एल ठीक है देखिए अभी हम लोग लिखे थोड़े पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आई जे एल था आई देखिए आई कितना पे है नौ नंबर पे है जे दस नंबर पे है और एल देखेंगे तो बारह नंबर पे है ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चलिए आई जे एल ये हो गया नौ दस और बारह ठीक है और आई जे एल के बदले यहां पे लिखा किया गया था यहां पे लिखा गया था आपका एम एन पी एम एन पी लिखा गया था तो आई जे एल इसके बदले एम एन और पी आई जे एल हम हम लोग अभी देख लिए नौ दस और बारह और एम का पोजीशन अगर देखेंगे सीधा से तो एम का पोजीशन तो तेरह है एन का पोजीशन चौदह है और पी का पोजीशन सोलह है अब देखिए इसमें क्या रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे नौ है ठीक है तो नौ के बाद ये तेरह दिख रहा है आपको यानी चार बढ़ा हुआ है ठीक है ये दस के बाद चौदह दिख रहा है देखिए चार बढ़ा हुआ है ये बारह के बाद जो है सोलह दिख रहा है ये चार बढ़ा हुआ है बस अपने को रिलेशन मिल गया अपने को क्या करना है अब चार चार बढ़ा देना है तो तेरह में चार जोड़ेंगे तो सत्रह चौदह में चार जोड़ेंगे अठारह सोलह में चार जोड़ेंगे बीस अब सत्रह नंबर पे कौन आता है सिंपल सा तो सत्रह नंबर पे कौन आ रहा है देखिए क्यू दिख रहा है अपने को क्यू लिखेंगे अठारह नंबर पे कौन आ रहा है आर दर है बीस नंबर पे कौन आ रहा है टी आ रहा है बस क्यू आर टी आपका क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ ठीक है देखते हैं क्यू आर टी क्या हो गया आपका देखिए आंसर हो गया और बाकी एक और लिखना था तो देखिए अब क्यू आर टी तो किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा था नेक्स्ट लिखने की जरूरत तो नहीं है नेक्स्ट भी आपको लिखना है तो क्यू में चार ऐड कीजिए आर में चार ऐड कीजिए टी में चार यही आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बन जाएगा अगला देखिए प्रश्न संख्या एक सौ उन्नीस ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जैसे देखिए यहाँ पे अठारह छत्तीस नब्बे आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा अब ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी हल होते भी नहीं है तो ऐसे में क्या करें अब प्रश्न को क्या करें उस समय होल्ड करके और फिर आगे प्रश्न को हल करें कभी कभी जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है एटीन है अठारह दून छत्तीस होता है और अठारह पचे नब्बे ठीक है तो ये और दो का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे इसमें देखे तेरह पचे पैंसठ तेरह दूना छब्बीस चलिए तो एक बार जो है दो से मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार पांच से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे देखिए पंद्रह है पचहत्तर है तो यहाँ पे पंद्रह पचे हाँ पचहत्तर है पांच टाइम तो पंद्रह दूना तीस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ऑप्शन ए हो जाएगा आपका तीस है यहाँ पे चलिए तो ये आपका मैथमेटिक्स वगैरह का कुछ प्रश्न था यहाँ पे एक और प्रश्न है इसमें कितना त्रिभुज है बताना है तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ये बता सकते हैं ऐसे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अच्छा तरीका है कि इसका नंबरिंग कर लेना चाहिए सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ए लिख दिए यहाँ पे हम बी सी डी और ई e लिख दिए ठीक है इसके बाद और भी पॉइंट्स है इसमें तो इसके बाद जैसे ये पॉइंट अभी दिख रहा है इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं तो ई तक हम लोग पहुंचे हैं फिर एफ ठीक है जी एच आई और जे बस इसके बाद क्या करना है आपको काउंट करना शुरू करना है त्रिभुज ही बताना है ना देखिए पहला ये वाला त्रिभुज दिख रहा है फिर एक ये त्रिभुज दिख रहा है फिर एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है अपने को एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है ये तो पांच त्रिभुज दिख गया आपका ठीक है तो क्या पांच पारा आंसर हो जाएगा नहीं अभी और भी त्रिभुज यहाँ पे दिखने वाला है ठीक है ये पांच त्रिभुज यानी सिंगल वाला त्रिभुज हम लोग काउंट करके आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं ए एफ जी करके यहाँ पे लिख सकते हैं चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा कौन कौन सा यानी दो जो है इमेज को मिला के बनने वाला त्रिभुज कौन कौन हो सकता है देखिए ए हो गया आपका और ये आई हो गया और इसके बाद देखेंगे तो सी एक ये भी त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज देखिए ये जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं ये भी एक त्रिभुज बन रहा है चलिए एक और हो गया पांच तो पहले से था एक और हो गया ठीक है छ हो गया अब देखिए एक और त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ए ठीक है ये ए हो गया ठीक है और ये डी और ये जी ठीक है एक और त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ए डी जी ठीक है तो चलिए एक और एड हो गया ठीक है अब देखिए और कोई त्रिभुज बनेगा क्या हाँ बिल्कुल बन रहा है ई e को यहाँ पे लेते हैं अब ठीक है ई e हो गया अपना ई e, ये एच और क्या हो जाएगा बी ठीक है देखिए ये वाला त्रिभुज ई e, एच बी ये वाला बन गया एक और एड हो गया अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में आप यहाँ पे तो आठ अभी ही हो गया है ठीक है क्या और बनेगा ठीक है देख लेते हैं जैसे ई को हम लोग यहाँ पे काउंट किए वैसे ही डी को लेके भी बनेगा एक सिंपल सा बात है देखिए डी को लेके अगर देखेंगे तो डी ए और ये आपका डी बी और क्या करते हैं यहाँ पे डी बी और जे हाँ ये वाला एक बनेगा ये वाला हिस्सा ठीक है डी बी जे बन गया एक हो गया अब देखिए पांच एक छ एक सात एक आठ एक नौ नौ बन गया अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं तो ये तो नहीं होगा बी नहीं होगा अब ये दस ऑप्शन में है तो एक त्रिभुज तो और बनेगा ही जाहिर सा बात है ठीक है और एक त्रिभुज और कौन बनेगा तो ई वाला ठीक है तो ये दस हो जाएगा ठीक है ऐसे करके काउंट मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले एक एक सिंगल वाले को काउंट कीजिए ठीक है फिर डबल वाले काउंट कीजिए फिर हो सकता है तीन फिगर मिला के हो फिर चार फिगर मिला के हो और कुछ कुछ इसमें इमेज में जो है ट्रिक भी इस्तेमाल हो जाता है ट्रिक भी लगता है बट सारे में नहीं लगता है चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपका मैथमेटिक्स फिनिश हुआ फरवरी में फरवरी का करंट अफेयर है ये ठीक है तब करंट अफेयर का यहाँ से सीरीज आपको देखने को मिलेगा फरवरी दो हजार तीस में डस्ट लीक दो नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में थल सेना के बीच में किया गया डस्ट लीक तो आसान सा प्रश्न है उज्बेकिस्तान भारत और उज्जबे अगला देखिये फरवरी दो में बायो एशिया दो सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ बायो एशिया सम्मेलन ये जो आपको हैदराबाद में किया गया था अगला देखिए फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी अम्फान है निवार है गैब्रियल है निर्सर्ग ठीक है तो ये भी आसान सा है है गैब्रियल के कारण वहां पे जो है किया गया था अगला देखिए फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनोरण किया गया स्काई यूटीएम आखिर है क्या तो ड्रोन एयर जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम है चालक रहित कार नियंत्रण है या इनमें से कोई नहीं देखिए आप इसको कर सकते हैं और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रोन एयर ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम अगला देखिए फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना पे, पे? चंडीगढ़ में ठीक है चंडीगढ़ में स्थापित की गई है लगभग 2000 जो है कैपेसिटी का ये जो है किया गया एमफेक्स दो हजार एक क्या है ठीक है तो डांट टिकट प्रदर्शनी है यातनी हथियार प्रदर्शनी युद्धा अभ्यास है ऑप्शन सी ही हो जाएगा आगे देखिए फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना का भी बनाया गया है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एक फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा उत्तर भारत का पहला ठीक है तो ये देखिए कटरा है गोरखपुर है धर्मशाला है तो ये हो जाएगा गोरखपुर गांव में उत्तर भारत का पहला जो है आपको चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या एक फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाएगा ऑपरेशन दोस्त से क्या था तुर्की सीरिया में आए भूकंप राहत जो है सामग्री भेजना पड़ोसी देश के साथ मैत्री संबंध को बढ़ावा देना उत्तराखंड से आई बाढ़ मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंध को बढ़ावा देना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की सीरिया में जो आया भूकंप था यहाँ हेल्प करना ठीक है अगला प्रश्न देखिए फरवरी 2023 में किस संघ या गठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की जो है मंजूरी प्रदान की गई है तो ये कौन सा संघ था आशियान ओपे के आसार के यूरोपियन यूनियन है ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सी बनाया गया ये तो आसान नील मोहन को बनाया गया था फरवरी दो में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स दो बेंगलुरु विश्व के, के धीमे पहले स्थान पे इसमें तो इस लंदन है अगला देखिए फरवरी 2023 में हरियाणा जो है वारानवी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया वो तो किस अरब देश की निवासी है ठीक है तो किसकी निवासी है ये रियाना जो है आपको बरावी सऊदी अरबिया की है ये सब मस्त जो है इम्पोर्टेंट घटना है फरवरी दो में भारत ने हिंदुस्तान एयोनोटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित एमके थ्री एल एच हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा किस देश को भेजा गया ये मॉरिशस को ठीक आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 135 ये फरवरी 2023 का ही है वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहा हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन ये आपको दुबई में अगला है फरवरी दो हजार तेईस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का आरंभ किया गया ठीक है आंसर करें आप लोग तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका जल जन अभियान का शुभारंभ कहा राजस्थान का जो सिरोही जिला था यहीं से किया गया था अगला देखिए भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम का भंडार खोजा गया है ये हाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा अगला देखिए किस देश के द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षर समझौता प्रोजेक्ट चीता चीता के अंतर्गत बारह भारत भेजा गया तो गया तो किससे साइन किया है दक्षिण अफ्रीका है तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका ही हो जाएगा अगला देखिए फरवरी दो में चर्चा में रहे याद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है बताना इसमें से बताइए कौन सा कथन सही है यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है यह झील काली वाले क्रेन के लिए लोकप्रिय प्रजनन स्थल है दोनों ही सही है ऑप्शन सी हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन आज का केंद्रीय बजट तेईस में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए सौ करोड़ रुपए योजना का उद्देश्य क्या है ठीक है देखिए सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजना प्रदान करना रेडी पटरी दुकानदारों को आर्थिक स्थिति मजबूत करना आदिवासी इलाके में मूलभूत सुविधा देना बारह वर्ष से कम आयु के किसोरियों को उचित जो है अवसर प्रदान करना तो सफाई कर्मचारियों के लिए था नमस्ते

काफी लोग लगता है कि उनका हिंदी बेहतर है तो आप अटेम्प्ट करें साठ में साठ आप लेके आए ठीक है हिंदी का टेस्ट जरूर दे तो ध्यान इसका टोटल जो है आपका दस टेस्ट अवेलेबल है दसो टेस्ट हम लोग करेंगे इसका ठीक है दसो टेस्ट करने वाले हैं तो अभी तक तीन टेस्ट हम लोग कर लिए इसका ये तीसरा टेस्ट यानी फुल लेंथ में दूसरा टेस्ट था चलिए तो बाकी अगले टेस्ट में मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद